नांगलिंग पहुंच गए हैं जहाँ नंगनाल लोग रहते हैं। ग्राम पंचायत नांगलिंग आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। यहाँ काफी होम स्टे भी बने हुए हैं, यहाँ पे पूर्व सैनिक होम स्टे, यहाँ पे काफी होम स्टे भी है। ये नांगलिंग गांव है। दोस्तों ये है नांगलिंग गांव। यहाँ गांव वालों ने लकड़ियां इकट्ठी करके रखी हुई है। ये है गांव। यहाँ सारे घरों में सोलर पैनल लगे हुए हैं। ये है गांव। हर दिन के खाना बनाने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर है पुराना घर, जिसमें अभी दरारें भी आ चुकी है। नक्काशी देखिए इसमें, ये देखिए इतनी सुंदर सी बाकली है, नांगली की है। ये हमारे ज्ञान सिंह नंगनाल अंकल जी का, उनकी फैमिली का घर है। ताला लगा भी। ये सारे, ये जहाँ पे पापा ये दरवाजे में बैठे हैं वो ज्ञान सिंह नंगनाल अंकल का घर है। स्वर्गीय श्रीमती खादी नंगनाल जी का, खादी बुआ जी का घर। और जो ये SDM नंगनाल जी का घर, ये वाला, अच्छा ये वाला, ये है SDM नंगनाल जी का घर, सीमा दीदी का घर। ये है सीमा दी का घर। हम लोग दोस्तों में, हम लोग नांगलिंग गांव में आए हैं। ये है नंगनाल जी का घर, जिनको इनके राठ हो यार तो राठ बोलते हैं। उनकी ये सभी भाइयों का ये मकान है। ये पूरा बहुत ही बड़ा ये बाखली है, पूरा चारों ओर से है। ये देखिए बहुत ही बड़ा है। ये नवनीत ज्ञान पुकार है। हाँ, बहुत बड़ा है ये इनका। ये लोग सिर्फ पूजा पाठ में या फिर कोई होता है हाँ तभी आते हैं, वरना इनका बंद रहता है। बहुत ही अच्छा है ये। ये है नांगलिंग गांव का मंदिर, मुदार देव का, इनके इष्ट देवता का मंदिर है। बांख कहते हैं और यहाँ के लोकल भाषा में या ये औषधि होता है। दिखने में ऐसा लग रहा है सांप की तरह लग रहा है। अरे उधर बुंगलिंग साइड जा। यहाँ पे बो रखा है राजमा, थोड़े थोड़े से हो रहे, क्योंकि यहाँ पहाड़ों में बारिश नहीं हो रही है साल, तो इसलिए फसल भी अच्छी नहीं है। ये जो ये पहाड़ में यहाँ ये सांप के जैसे निशान दिख रहा है, और इधर इस वाले पहाड़ में भी दिख रहा है। दिख रहा है ये इस वाले दरवाले में दिख रहा है सांप के निशान, ये और इस वाले पहाड़ में भी ये सांप के निशान है। इसकी एक स्टोरी है दोस्तों। ये जो सांप के निशान पहाड़ में दिखाई दे रहा है, इसकी एक स्टोरी है। कहा जाता है कि सतयुग में नांगलिंग गांव में एक आदमखोर नाग रहता था। वो हर परिवार से एक सदस्य को प्रतिदिन खाता था। तो एक दिन इस तरीके से गांव की जनसंख्या दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। अब बारी आई थी कालिया लोहार की, जो लोहार का काम करता था। लोहार मतलब लोहार का काम करता था। उसने क्या किया कि लोहे का बहुत बड़ा सा एक बॉल बनाया और उसको बहुत ही अपने आफर में, जिसमें लोहे को ताप गर्म करते हैं, उसमें बहुत ही गर्म आग के गोले की तरह बिल्कुल लाल गर्म किया। और उसके बाहर से उसने जो कुट्टू का आटा है उसका लेप लगाया। जब नाग लोहार को खाने के लिए उसके घर पे आया, तो लोहार ने कहा मरना तो है ही मुझे, आपके लिए एक मैं शुद्ध चीज़ लेके आया हूँ, आप मुझे खाने से पहले आप इस कुट्टू के आटे का सेवन करिए जो शुद्ध होता है, क्योंकि भगवान को चढ़ाया जाता है। तो नाग ने कहा ठीक है। तो नाग ने अपना मुंह खोला और लोहार ने कालू लोहार ने उस गरम तपती लोहे को उसके नाक के मुंह में डाल दिया और नाग का पेट इस तरीके से फट गया। दोस्तों जो ये निशान है, उसी नाग के
गर्म लोहे को सेवन करने से जो फटने से ही ये निशान बना है, ये सतयुग का निशान है। और नाग का जो सर है कहा जाता है कुटी गांव में जाके गिरा, इसीलिए इस गांव का नाम नागलिंग पड़ा। इस नाग के कारण ही इस गांव का नाम नागलिंग पड़ा, यही इसकी स्टोरी है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शोधा मर्त्योलिया में। आप सभी बड़ों को प्रणाम और छोटों को ढेर सारा आशीर्वाद। आई होप आप लोग भी सब बढ़िया होंगे, हम लोग भी सब बढ़िया है। सो दोस्तों, हमारी यात्रा अच्छे से सफल रही और हम कल शाम को धारचूला पहुंच गए थे और आज हम लोग सुबह सुबह नहा धो रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और हम लोग निकल रहे हैं हल्द्वानी के लिए। सो आप बनी रहिए मेरे ब्लॉग में। दोस्तों, यह है धारचूला का नज़ारा, घनी बस्ती, बीच में बह रही है काली नदी। और इधर है धारचूला, इंडिया, और नदी के उस पार है नेपाल, जिसको बोलते हैं धारचूला। और यह है धारचूला, बहुत घनी बस्ती है, बहुत ही ज़्यादा। और ये है, हम लोग जहाँ रुके हैं, ये ग्वाल गांव व्यू पॉइंट उसको बोलते हैं। और देखिए पहाड़ों में बारिश के बाद कुछ इस तरह का मौसम है। कल रात भर बारिश हुई थी, बहुत ज़बरदस्त, सुबह भी बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। सुबह सुबह का नज़ारा ये है, घरा कोहना घरना सा कोहरा। हेलो दादा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अब हम लोग जा रहे हैं धारचूला से हल्द्वानी। बोलो, हम घर जा रहे हैं। बोलो, हम घर जा रहे हैं। और आपके टी शर्ट में क्या बना है? डोनट बना है। ये हम जॉर्जवी से आ गए हैं, जो सामने वाला रास्ता है मतकोट मुंशारी जाता है, और हम यहाँ जा रहे हैं पिथौरागढ़ की ओर। अब यहाँ नीचे जौलजीवी में होती है काली गोरी का संगम। ये गारिये निकीविका का सुंदर सा व्यू, चीड़ के जंगल, हरे भरे खेत। ये है ओगला से थोड़ा सा आगे, कितना सुंदर लग रहा है। ये सुंदर से नज़ारे से पहाड़ों को ही पहाड़ों में ही देखने को मिलेगा। जय हो, इतना फॉग लगा। नैनीपातल 7 किलोमीटर है यहाँ से, 7 का फॉग। हम लोग पहुंच गए पिथौरागढ़। ये है पिथौरागढ़ का चौराहा। हम लोग यहाँ से नीचे जाएंगे और यहाँ पे एक सुंदर सा पेड़ और ये चर्च है यहाँ का पिथौरागढ़। ये है यहाँ का पार्किंग, पिथौरागढ़ का पार्किंग। यहाँ बेटा, यहाँ पार्किंग ही नहीं है लोगों के घरों में। एक तो लोगों के घर ऐसे में तो सब कार अपनी कार भी पार्क। नीम करोली बाबा की वो है यहाँ पे, हनुमान जी के बाहर नीम करोली बाबा जी। जय जय।
एलेक्सा अपने लकड़ी से ओम लिखा है। ये लोग वहां ज्यादा दे रहे हैं, तीन तो ऐसे कह रहा हूं मैं, दे दे हमें 20 के। 20 के जय हो गुरु भगवान, दूर से नमस्ते करना हां, जय करो, देता भी रहे यार, जय हो भगवान जी। जय हो, हाथ पकड़ हाथ पकड़। और गाय भी आ रही किड्डी की, ये है चंपावत। हम लोग आए हैं यहाँ पापा के जानने वाले, उनके यहाँ लंच के लिए। सुंदर सा हाथ पकड़, बस हो गया निकी, हो हैंड वॉश हो गया, हाथ दबा ली हैंड पंप से हाथ धोते हुए।